हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का जो पेपर है ये आपका मॉडल पेपर है। जो पेपर में आया था क्वेश्चंस वो आपको मैं बताऊँगा। इसमें आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ का जो पेपर हुआ था, तो आज इसको आपको जो पेपर हुआ है उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी दोस्तों कि जो पेपर में पूछे गए प्रश्न थे वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहली बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये मेजर का पेपर है होम साइंस का। जो आपका पेपर होगा वो पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए थे ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। आपका जो पेपर का नाम है वो इंट्रोडक्शन टू क्लॉथ एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका प्रश्न पत्र यानी कि पेपर का नाम है। इसमें टाइम 3 आवर्स दे रखा है और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे आपके वो 75 नंबर के होंगे। नोट अटेम्प्ट आल सेंक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस के अंतर्गत आपके जो भी पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के द्वारा मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होता है। जो आने वाले छात्र हैं बी ए सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले हैं छात्र, उनके लिए ये जो मॉडल यानी कि क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ज़्यादा उनके लिए ये लाभदायक होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे और कितने हम तैयार कर लेंगे। तो ये चीज़ें अनुभव करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपका सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए खंड आ, खंड आ से आपको केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर होगा वो 2 नंबर को होगा। यहाँ पे अटेम्प्ट आल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। पहला का फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है कि पॉलिएस्टर। अब सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों आपको समझने वाली कि पॉलिएस्टर होता क्या है। पॉलिएस्टर का मतलब होता है, पॉलिएस्टर का मतलब होता है कि कपड़ा। पॉलिएस्टर कपड़ा आप देखो कि जो सिल्क युक्त तो होता है और वो सिल्को जैसा काम करता है या बालू जैसे उसमें बालू युक्त होता है या सिल्कन का कपड़ा आप देखते हो तो उसी को हम पॉलिएस्टर बोलते हैं। तो पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है हम आपको किताबी भाषा में समझाएंगे। ये तो आपको मैंने एक पॉइंट के अनुसार आपको बता दें कि पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है। पॉलिएस्टर का मतलब आप समझते ही हो। तो छात्राएं सभी ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न से कितने आपको प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर के अनुसार ही आपका प्रश्न पत्र है, जो आपके सारे प्रश्न पत्र आपके जो कॉलेजों में पूछा जाता है कुछ इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो पॉलिएस्टर का मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है और किससे बनता है ये आपका। अब पॉलिएस्टर का मतलब होता है तो पॉलिएस्टर की परिभाषा कि पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर के समूह में से कोई भी जिसमें मूल रूप से एस्टर की दोहराई गई इकाइयाँ होती हैं और विशेष रूप से फाइबर या प्लास्टिक बनाने में उपयोग की जाती है, इसी को हम पॉलिएस्टर कहते हैं। अब पॉलिएस्टर का मतलब होता है, पॉलिएस्टर का मतलब होता है कि जिसे शर्ट पॉलिएस्टर से बना है, चादरें एक कपास और पॉलिएस्टर का मिश्रण है, तो इसलिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें आपका होता है कि इससे कपड़े बनाए जाते हैं, तकियों में रुई की जगह इसे भरा जाता है और ये यौगिक डाई हाइड्रिक एल्केहल एवं डाई बेसिक एसिड क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये होता है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका था स्पिनिंग, दूसरा क्वेश्चन आपका था स्पिनिंग या कताई बोलते हैं। कताई का मतलब होता है तंतुओं को धागे या धागे में बदलने की क्रिया या प्रक्रिया। कैसा कहते हैं, क्रिया या प्रक्रिया या एरोबिक व्यायाम को एक तीव्र रूप से स्थिर व्यायाम यानी कि बाइक पर प्रदर्शन किया और एक प्रशिक्षक के नेतृत्व में जो लगातार बदलती गति निर्धारित करता है इसी को हम कताई कहते हैं या स्पिनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से कताई का मतलब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर आपका थ्रोइंग ऑफ सिल्क।
नहीं कि रेशम की कटाई, रेशम की कटाई किस तरीके से होती है, फिर आपको बताएंगे रेशम की कटाई का क्या मतलब होता है। आइए अब रेशम की कटाई कैसे होती है, थ्रोइंग ऑफ सिल्क। इसमें है कि प्रथम माह यानी कि रेशम की कटाई प्रथम माह में कटिंग रोपित क्यारी में मिट्टी की ऊपरी पर सूखने पर पानी दिया जाए जिसमें नमी बनी रहे, और कटिंग रोपण के समय क्यारी में 8 से 10 लाइन के रोपण के पश्चात एक फिट स्थान छोड़कर कटिंग रोपण किया जाए जिसमें निराई करने में आसानी हो, और एक एकड़ पौधालय पर लगभग 100 किलोग्राम यूरिया उचित विकास हेतु उपयुक्त होता है। अब इसमें आपका होता है कि वर्ष में 2 बार प्रूनिंग की जाती है, जून और जुलाई में बॉटम प्रूनिंग है जमीन के सतह से 6 इंच की ऊंचाई पर, 1 दिसंबर के मध्य जमीन के सतह से 3 फीट की ऊंचाई पर की जाती है। तात्पर्य यह है कि सहतूत पौधों की कटाई छटाई वर्ष में 2 बार इस भांति की जाती है जिससे कीट पालन के समय पौष्टिक एवं प्रचुर मात्रा में सहतूत पत्तियाँ कीट पालन हेतु उपलब्ध हो सके। सहतूत की झाड़ियाँ का माह दिसंबर में 3 फीट की ऊंचाई से काट कर प्रून दिया जाता है, और यह मुख्य शाखाओं से निकली पतली शाखाओं का भी काटा छाटा जाता है। तत्पश्चात भूमि की गुड़ाई निराई करते हुए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, और रासायनिक खाद का प्रयोग में कीट पालन हेतु पत्ती तोड़ने के समय के बीच में 20 से 25 दिन के अंतराल हो, और इस भात वर्षा काल में सहतूत झाड़ियों की भूमि सतह से 6 से 9 इंच की ऊंचाई पर काट लिया जाता है एवं गुड़ाई खाद का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है एवं प्रूनिंग करते समय इस बात की सावधानी रखी जाती है कि सहतूत की टहनियों को क्षति न पहुँचे एवं उनकी छाल भी ना उखड़े, और वृक्षनुमा सहतूत पेड़ों में वर्ष में 1 बार प्रूनिंग माह दिसंबर में की जानी चाहिए। तो ये होता है आपका कटाई। उसका नाम फिर के पॉलिएस्टर टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर यानी कि पॉलिएस्टर धागे के प्रकार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यह भी है आपका। चौथा क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर धागे के प्रकार कौन कौन से हैं। पॉलिएस्टर विशेष रूप से PET द्वारा संचालित पॉलीमर के आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है, जिसे हम कमोडिटी प्लास्टिक में गिना जाता है। 2000 में दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन टन का पॉलिएस्टर परिवारों के संरक्षण में गुण में विविधता बहुत बड़ी है। ब्लू एस्टर समूह के साथ पहला आंकड़ा देखते हैं, और इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में आपको कि प्रकृति में होने वाले पॉलिएस्टर से पौधे के क्यूटिकल्स का क्यूटिन घटक शामिल होता है, और कृत्रिम में कि रैखिक स्निग्ध उच्च आणविक पर पॉलिएस्टर 10,000 से कम पिघलने वाले MP 40 से 80 डिग्री सेल्सियस सेमी क्रायलिन पॉलीमर है और अपेक्षाकृत खराब यांत्रिक गुणों को प्रदर्शन करते हैं। तो ये कृत्रिम और होता है आपका प्राकृतिक। तो ये रेशम पॉलिएस्टर धागे के प्रकार होते हैं। अब आपका आता है सूत की परिभाषा में, लिखेंगे आप लोग सूत की परिभाषा में। सूत परस्पर जुड़े रेशों की एक निरंतर लंबाई है जो कपड़े के उत्पादन, सिलाई, क्रोशिए से बुनाई, सलाइयों से बुनाई, कढ़ाई और रस्सी बनाने के उपयुक्त है। धागा सिलाई में प्रयुक्त होता है सिलाई प्रक्रिया के तनाव को सहने के लिए। सिलाई की निर्मित आधुनिक धागों पर मोम या दूसरे स्नेहकों की परत चढ़ी हुई हो सकती है, कढ़ाई या सूत कहलाता है। अब आपका आता है द लूम यानी कि करघा, यानी कि छठा क्वेश्चन आपका आता है करघा। करघा का क्या मतलब होता है, आइए आपको हम बताते हैं करघे से क्या मतलब। अब आपका आता है करघा। करघे में लिखना है कि करघा एक प्रकार का कपड़ा बुनने का उपकरण है। किसी भी करघे का मूल उद्देश्य होता है धागों का तवान की स्थिति में पकड़े रहना, ताकि धागों की बुनाई करके कपड़ा बनाया जा सके। करघे की बनावट और कार्यप्रणाली भिन्न हो सकती है, लेकिन ये मूल रूप से एक साथ कार्य करते हैं। अब इसकी बुनाई कैसे होती है। करघे में बुनाई की जाती है जब बुनने वाले धागों को बुने जाने वाले धागों में मिलाया जाता है। उसे में करघा का प्रकार कौन कौन से हैं,
पहला तो आपका आता है वापसी पट्टा करघा, भारत ताना करघा, फिरहत करघा, विद्युत करघे, तो ये आपके करघे होते हैं इस तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सादी बुनाई या प्लेन बीप्स, सादी बुनाई। अब इसमें आपका आएगा सादी बुनाई में कि सादा बुनाई जिसे टैबी बुनाई या लिनन बुनाई या तपताता बुनाई भी कहा जाता है। तीन मूलभूत प्रकार के कपड़े बुनाई, तो साटन बुनाई हो गया और ट्विल के साथ का सबसे बुनियादी है। यह फैशन और सजावटी कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है। मजबूत और कठोर परिधान है सादा बुनाई में। जांघ और बुनाई गठबंधन होती है ताकि वे साधारण क्रिस क्रॉस पैटर्न बना सके। प्रत्येक वजन धागा एक से ऊपर जाकर फिर अगले के नीचे और इतने पर वार्प धागे को पार करता है। अगला वजन धागा उस तार के धागे के नीचे आता है जो उसके पड़ोसी ख़त्म हो जाते हैं, और इसके विपरीत यह कपड़ा के तीन मेहरा संगठनों में से एक है जो वैकल्पिक रूप से वार्प धागे और बुनाई भार धागे के वैकल्पिक रूप से एक करके बुना जाता है, और इसकी सतह चिकनी, टिकाऊ, व्यवहारिक और अत्यधिक उपलब्ध सोना चौड़ाई के प्रतिनिधि हुजी डबल, अफीम, पॉपलिन और इतने पर सादा बुनाई से क्या बदलता है, रिज और बुनाई और मछली नाकों में इसका होता है। तो ये होता है सादा बुनाई का मतलब। उसका फिर आपको पता है एवोल्यूशन या फिर मूल्यांकन। अब इसमें मूल्यांकन में हेडिंग डालेंगे कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं, या मूल्यांकन के द्वारा ही किसी ही छात्र किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। इस पोस्ट में हम आपको मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के महत्व की विस्तृत जानकारी देते हैं। इस तरीके से आपकी मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन की जो मूल रूप से परिभाषा है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। तो ये होता है मूल्यांकन का अर्थ। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है यानी कि नौवां क्वेश्चन, आयोजन या प्लानिंग। आयोजन हेडिंग लाइन लिखेंगे आप कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना या आयोजन या फिर नियोजन, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कहलाता है, यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है। प्लानिंग आज जिस प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक माहौल में हम हैं, इसे नियोजन या उपक्रम या अभीष्ट जीवन साथी बन चुका है। यदि सामूहिक के प्रयासों को प्रभावशाली बनाना है तो कार्यरत व्यक्तियों को यह जानना आवश्यक है कि उनसे क्या अपेक्षित है, और इसे केवल नियोजन की मदद से ही जाना जा सकता है। तो इसी को हम कहते हैं आयोजन। उसके अंदर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको लिखना है व्यवस्था के उद्देश्य। अब इसमें आप लोग दोस्तों लिखेंगे कि व्यवस्था के उद्देश्य, पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट है यानी कि व्यवस्था में, पहला तो आप लिखेंगे किसी एक ही सदस्य पर कार्य का भार नहीं पड़ता है। दूसरा आपका आएगा हेडिंग कि कार्यों का संचालन सुचारू तथा सुव्यवस्थित रूप से होता है। तीसरा हेडिंग लिखेंगे आप कि पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। फिर चौथा आप लिखेंगे इसमें कि परिवार की व्यवस्था सुदृढ़ रहती है। पांचवा लिखेंगे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक दूसरे से निष्ठा एवं विश्वसनीयता बनी रहती है। उसके बाद में फिर छठा लिखेंगे आप कि समस्याओं को बौद्धिकता एवं नियोजित रूप से सुलझाने पर उनके वांछित हल प्राप्त होते हैं। सातवां नंबर आपका आएगा इसमें कि कार्य का संचालन कम समय में होता है और इसमें समय की बचत होती है। उसके बाद में फिर आठवां लिखेंगे इसमें कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से ही हो जाती है। तो इसे हम व्यवस्था के उद्देश्य मानते हैं मुख्य रूप से। ये कितने व्यवस्था के उद्देश्य मुख्य रूप से आठ होते हैं जो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो दोस्तों सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता दिया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक करके बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं। अब आपका आता है सेक्शन बी यानी खंड बा। नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है जो नंबर हो 7 नंबर का है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो 35 नंबर का आपका सेक्शन बी से होता है। 10 नंबर आपका सेक्शन ए से तो 45 नंबर आपका टोटल यही हो जाता है। अब आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि घरेलू उपकरण किसे कहते हैं। घरेलू उपकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू होम एप्लीकेशन। हेडिंग आप डालेंगे घरेलू उपकरण, इसमें लिखेंगे आप कि घर एक व्यापक उपयोग को देखते हुए घरेलू उपकरण के साथ संलग्न आवेदन की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। उपकरण के रूप में एक साधन या एक विशेष उपयोग या समारोह के लिए बनाया गया डिवाइस, अधिक विशेष रूप से जिसे आपको कॉलेज डिक्शनरी ने घरेलू उपकरण को परिभाषित किया है कि उपकरण या मशीनें आमतौर पर बिजली जो आपके घर में होती है और जिनका उपयोग आप सफाई या खाना पकाने जैसे काम करने के लिए करते हैं। परिभाषा के अनुसार व्यापक घरेलू उपयोग के लिए लक्षित लगभग किसी भी उपकरण को घरेलू उपकरण की बनाने की अनुमति देते हैं। इसके प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं घरेलू के। पहला तो आपका आता है कि प्रमुख उपकरण में आपका आएगा कि एयर कंडीशनर, डिशवाशर, कपड़े सुखाने वाले अलमारियाँ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रसोई के स्टोव, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, कचरा कंप्रेसर, माइक्रोवेव ओवन और इंडक्शन कुकर। सफ़ेद वस्तुओं को आमतौर पर सफ़ेद रंग या रंगा या ताम चीनी किया जाता है। तो ये होते हैं इनके प्रमुख उपकरण। जैसे इसमें आपका आ गया कि टीवी, रेडियो, स्टीरियो, टेप रिकॉर्डर, बीटीआर और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और एयर कंडीशनर। यह मिश्रण हालांकि प्रकाश चुना प्रकाश बल्ब की सूखी बैटरी शामिल नहीं है और कुछ मौजूद किस्मों जैसे कि टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर, बीटीआर को छोड़कर विश्व घरेलू देशों में अधिकांश घरेलू उपकरणों का उत्पादन पहले ही हो चुका है। हालांकि जापान में रेडियो के अलावा उत्पादन बिल्कुल नहीं चले। तो इस तरीके से आपका घरेलू उपकरण आपका आता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें, अब आपका आता है डिफाइन ऑफ सिंप्लीफिकेशन या डिफाइन ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए। कार्य सिंप्लीफिकेशन में आप लिखेंगे कि कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को सरल ढंग से करना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीकों को सरल ढंग से करता है तो वह समय व शक्ति को कम करने की कोशिश करता है। वह कोई भी कार्य सरल रूप से करना चाहता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है कार्य ऐसे ढंग से करना है जिसे जल्द व आसानी कर सके। यहीं पे आपको राजमल पी देवदास जी के अनुसार कहा गया है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा या समय और शक्ति का उपयोग द्वारा करने की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। उसके अनुसार आपका आता है वहीं पर आपको निकल एवं डार्सी जी के अनुसार कहा गया है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य को सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतपूर्ण खोज करना। उसमें फिर ग्रास कैंडल के अनुसार कहा गया है कि कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति की मात्रा में अधिक समय कार्य संपादित करना या कार्य को निश्चित मात्रा में संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कार्य सरलीकरण में समय व शक्ति दोनों व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। सर्वप्रथम सरलीकरण का प्रयोग उद्योग में क्या आता है, कुछ वर्षों बाद अमेरिका जैसे विकसित देशों में इनका प्रयोग किया गया और धीरे धीरे भारत में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो ये होता है कार्य सरलीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बजट से आपका क्या आशा है। बहुत ही बढ़िया कि चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय बजट से आपका क्या आशा है। अब बजट का क्या आशा है, बजट के बारे में आप थोड़ा बहुत आप लोग समझेंगे यहाँ पे कि बजट से आपका क्या आशा है।
किसी भी घर की व्यवस्था के संचालन में आय एवं व्यय दो प्रमुख पक्ष हैं। जिन परिवारों में आय का ध्यान में रखकर व्यय किया जाता है वह कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती और परिवार सुखी रहता है। इसके विपरीत वह परिवार जहां व्यय का अनुपात आय से अधिक होता है सदैव आर्थिक कष्टों में डूबा रहता है। ये आर्थिक कठिनाइयां परिवार की समस्त अर्थव्यवस्था को हिला देती है और परिवार संचालनकर्ता तथा अन्य सभी सदस्य सदैव असंतोष की स्थिति में रहते हैं। बजट वह व्यवस्था है जिसमें आय से अधिक संतुष्टि एवं लाभ प्राप्त करने के लिए व्यय का आय के अनुसार विभिन्न मदों में वर्गीकृत कर दिया जाता है और अंत में लाभ व हानि का मूल्यांकन किया जाता है। उपर्युक्त आधारों पर परिवार बजट का परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। किसी परिवार की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय की जो विस्तृत ब्यौरे का पारिवारिक बजट कहते हैं, जो विस्तृत ब्यौरा है उसी को हम बजट कहते हैं। परिवार के बजट के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसमें आपको लिखना है किसी भी परिवार के कुल आय को आवश्यकता अनुसार व्यय करने की को ही परिवार का मुख्य उद्देश्य है। पहला तो आपका आया किसी परिवार के बजट को देखने पर यह ज्ञात होता है कि उस परिवार के कितने सदस्य हैं, साथ ही उनकी आयु लिंग का भी ज्ञान होता है। दूसरा, गृह स्वामी को बजट के द्वारा अपनी आय के स्रोतों की पूर्ण जानकारी रहती है तथा उसे इस बात का पता रहता है कि वह भविष्य में आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा पा रहा है या नहीं। फिर तीसरा आप लिखेंगे इसमें कि बजट बनाने से गृहिणी की जो वस्तु विशेष के लिए किए जाने वाले खर्चे का ज्ञान रहता है तथा वह ज्ञान उसकी गृह व्यवस्था में सहायक होता है। चौथा नंबर आप आएगा कि बजट के अनुसार व्यय करने से अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय नहीं होते हैं। अब आप डालेंगे बजट के लाभ में आप लिखेंगे इसमें कि बजट नियोजित गतिविधियों को पूरा करने में सभी स्तरों प्रबंधकों की सहायता करते हैं। इसमें आप लिखेंगे प्रदर्शन के मानक हेडिंग, इसमें लिखें कि बजट विभिन्न अवधियों और उप अवधियों के लिए प्रदर्शन के लिए मानक प्रदान करते हैं और वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में लगातार समय अंतराल पर मानकों के खिलाफ की जा सकती है और समय व विचलन में सुधार किया जाता है। फिर आपका हेडिंग आ जाएगी बजट की सुविधा के लिए बजट। बजट विभिन्न विभागीय प्रमुख द्वारा खर्च किए जाने वाले समय और राशि की निर्दिष्ट करते हुए इसलिए सटीक और निश्चित योजना बनाने के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं कि बजट मूल्यांकन और परिवर्तन लचीले योग्य गतिविधियों के आधारित है। उसके बाद फिर आपको आता है कि समन्वय के लिए आधार, जब विभिन्न स्तर के प्रबंधक बजट बनाने में शामिल होते हैं तो यह विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों को समन्वय करता है और विभिन्न विभागों के प्रबंधक यानी कि विभिन्न स्तरों का सहयोग करते हैं और संगठनात्मक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। उसके अंदर फिर प्रेरणा और नौकरी से संतुष्टि, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट बजट तैयार करने में भाग लेते हैं और इससे उनकी प्रेरणा, नौकरी की संतुष्टि और काम की दक्षता बढ़ जाती है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करता, बजट फर्म के संचालन पर भविष्य के प्रभाव को पेश करने में मदद करते हैं, इसलिए पर्यावरणीय परिवर्तन संगठनात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे आप संचार की सुविधा, इसमें लिखना है कि बजट संगठन में दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। क्षैतिज का मतलब समझते हैं, और क्षैतिज का मतलब होता है ये वाली लाइन और ऊर्ध्वाधर की खड़ी वाली लाइन। तो ये दोनों गतिविधियां हैं जो आकलन करने में विभिन्न विभागों को पदा अनुक्रम और स्तरों के नीचे योजनाओं और उद्देश्यों के संचार किया जाता है। फिर आपका आता है कि प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल को सुविधा प्रदान करता है। हेडिंग डालेंगे बजट उन फंडों को निर्दिष्ट करते हैं जिनके किसके द्वारा कब और कहां खर्च किया जाना चाहिए और बजट वाले क्षेत्र जो अतिरिक्त धनराशि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद फिर आपका कहा कि दुर्लभ संसाधन को इष्टतम उपयोग,
वित्त एक दुर्लभ संसाधन है और बजट उन क्षेत्रों में से इसके अधिकतम उपयोग में मदद करते हैं जो मुनाफे को अधिकतम करेंगे। तो इस तरीके से आपका बजट का लाभ रहा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अब आप लिखेंगे इसमें टाइम ऑफ मैनेजमेंट में कि समय व व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन एक ऐसा यंत्र है व साधन है जिसके द्वारा विरोधात्मक तथा संघर्षात्मक विचारों का समन्वय समझौता तथा हस्तक्षेप के द्वारा होता है। विचारों में परिवर्तन आता है तथा नए विचारों का विकास होता है। व्यवस्थापन में निश्चित व्यक्तियों तथा दलों का ज्ञान होता है। उसके बाद में फिर आपका आएगा इसमें कि व्यवस्थापन एक ऐसा यंत्र व साधन है जिसमें विचारों में परिवर्तन आता है तथा नए विचारों का विकास होता है। व्यवस्थापन की प्रकृति में कि व्यवस्थापन एक चेतन तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। संघर्ष की स्थिति का परिणाम ज्ञात होता है। व्यक्ति अथवा समूह अपनी शक्ति का अनुमान लगा लेता है। हार जीत का लगभग स्पष्ट होता है। हानि का अनुमान होता है। उसमें फिर आपका आता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें फिर आपका आता है कि टाइम समय संपदस्थ व्यवस्थापन, यानी कि संपदस्थ समय व्यवस्थापन, जब दो शक्तियों में संघर्ष होने के उपरांत किसी प्रकार की समय व्यवस्थापन होता है तो उसे संपदस्थ व्यवस्थापन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की स्थिति समान होती है। और उदाहरण के लिए उद्योगपतियों एवं श्रमिकों में संप्रदस्थ व्यवस्थापन होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यानी कि टाइम ऑफ मैनेजमेंट है कि समय की जो मैनेजमेंट है ऐसा आपको बता दें हम, व्यवस्थापन है उसको मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब व्यवस्थापन के कारक थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि सूचना, पहला तो अगर सूचना तथा शिक्षा प्रचार सही सूचनाएँ दोनों पक्षों का प्राप्त हो, अनुकूल प्रचार कार्य हो, अफवाहों को रोका जाए और शिक्षात्मक प्रयत्न किया जाए। दूसरा, राजनीतिक एवं वैधानिक दबाव, राजनीतिक प्रभाव उपयोग हो और कानूनों में संशोधन हो, कानूनी कार्यवाही साधारण हो। तो इस तरीके से आपका समय व्यवस्थापन होता है। फिर आपका था कपास के प्रकार लिखिए, आपका राइट आफ्टर टाइप टाइप ऑफ कॉटन। अब सबसे पहले आपको हम बताएंगे कपास। कपास होता क्या है कि कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग आपको 5000 वर्ष पूर्व वर्षों से मनुष्य कपास के रेशे से वस्त्र बनाता है और उसे पहनता है। इसलिए सबसे ज़्यादा कपास रेशों का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है और उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो कपास उनके बने हुए वस्त्र अन्य पदार्थों से बने वस्त्रों की तुलना में काफ़ी अच्छे व उत्तम होते हैं और टिकाऊ होते हैं। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गॉसिपियम होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो कपास पर फूल लगते हैं और इन फूलों को डोडे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हम डोडे कहते हैं। उसके बाद फिर आपको कपास जो है वो भारत, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, टर्की, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कपास मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आएगा नंबर एक लंबे रेशे वाले कपास, दूसरा आपका आएगा इसमें मध्य रेशे वाली कपास और तीसरा आपका छठे रेशे वाली कपास। तो ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं कपास। और इसका जो मैं बता दूँ, इसका उपयोग जो है वो नंबर एक आपका कपास में से स्वच्छता पूर्वक कटी हुई रुई का अस्पताल में कई प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि कपास में रुई का प्रयोग सूती वस्त्र उद्योग जैसे तकिया, कपड़ा, पट्टी, चादर आदि बनाने में किया जाता है। फिर तीसरा, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए रुई के बंडल का प्रयोग किया जाता है। नंबर चौथा कि कपास का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग कागज़ बनाए जाते हैं। तो ये होते हैं कपास। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन स्पिनिंग, यानी कताई को समझाइए, कताई क्या होता है। अब आप लोग डालेंगे कताई। कताई में लिखेंगे कि कताई वस्त्र उद्योग का आरंभिक और बहुत बड़ा प्रक्रम है। कपास आदि प्राकृतिक रेशों या अन्य कृत्रिम रेशों को ऐड कर सूत बनाने की क्रिया को कताई करना कहते हैं। पहले यह कार्य हाथ से किया जाता था, किंतु आजकल अधिकांश कताई स्वचालित मशीनों से किया जाता है।
अब इसके जो कताई की प्रमुख विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? कताई की जो प्रमुख विधियाँ है वो पहले तो आपका आता है इसमें हस्तचालित विधि होता है, उसके बाद दूसरा आपका आता है यांत्रिक विधि द्वारा, और तीसरा आपका आता है रासायनिक कताई। अब इसमें तकली द्वारा होता है, चरखा द्वारा होता है। तकली द्वारा किस तरीके से होता है कि प्रारंभिक सूत कताई का कार्य बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए केवल हाथों द्वारा किया जाता था, परंतु हाथ से धागा बटने एवं कातने में अधिक श्रम एवं समय लगता था। चरखा द्वारा करते हैं, उसमें चरखा द्वारा आपका आता है कि हथकरघा केंद्रों का पर सूत्र कातने के लिए चरखों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर यांत्रिक कताई में आपका आएगा, यांत्रिक कताई में रिंग कताई होता है। रिंग कताई, यह कताई सबसे पुरानी विधि है। रेशों को आपस में चिपकाने की क्षमता से विधि सहायक होती है। रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम के द्वारा ये दो प्रकार की होती है। फिर आपका आता है रासायनिक कताई। रासायनिक कताई में आपको लिखना है इसमें कि रासायनिक विधियों से कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है, और रेयान, नायलॉन आदि कृत्रिम तंतु इसी विधि से बनाए जाते हैं, और इन तंतुओं हेतु गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार किया जाता है, और इस गाढ़े पदार्थ को हम स्पिन रेट के सूक्ष्म छिद्रों में से तेजी से निकाला जाता है। बाहर निकालते ही धागा सूख जाता है, और धागा तैयार करने की ये विधि रासायनिक कताई कहलाती है। रासायनिक कताई तीन प्रकार की होती है। पहला तो आपका आता है इसमें पहला आपका आएगा आद्र कताई, दूसरा मेल्ट कताई, तीसरा शुष्क कताई। और आपको हम बता दें, यांत्रिक कताई में आपका खुली एवं अंतिम कताई होता है, घर्षण कताई आता है, चौथा आपका स्वयं एवं ऐठन देने वाली कताई आता है, फिर पांचवा इलेक्ट्रो स्टेट कताई आता है, फिर आपका छठा आता है ऐठन रहित कताई। तो ये कताई मुख्य रूप से होते हैं। अब आपका बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ लिखिए। वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ क्या है? अब इसमें आप लिखेंगे कि वस्त्र विज्ञान एक विज्ञान है, एक व्यापक विज्ञान है, यानी कि वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है। वस्त्र तंतु विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भोजन, मकान एवं वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति की आधारित आवश्यकता होती है, और संपूर्ण परिधान वस्तु तंतु द्वारा ही तैयार होते हैं। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन वस्त्रों एवं उन सामग्रियों से संबंध है जिससे वो बनते हैं। अब वस्त्र का अर्थ होता है टेक्सटाइल, जिसे कहते हैं हिंदी का अर्थ में वस्त्र या कपड़ा। लैटिन भाषा के समय टेक्सटाइल का मतलब टेक्सटाइलीज या टेक्सटाइल्स शब्द की उत्पत्ति से हुई है। इस शब्द का प्रयोग रेशों या तंतुओं से बने हुए वस्त्रों के लिए किया जाता है। बने हुए वस्त्र को अंग्रेजी शब्दकोश में टेक्सटाइल कहा जाता है, और साधारण रूप से तंतुओं एवं तंतुओं से बने वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः वस्त्रों का निर्माण हाथों के द्वारा ही हो या मशीनों के द्वारा, उसे हम टेक्सटाइल का नाम ही दिया जाता है। इसमें घरेलू उपयोगों के वस्त्रों तथा सभी पहनने वाले वस्त्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें बनाने के तंतुओं के गुण उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी रेशों के पहनने योग्य या अन्य उपयोगी वस्त्रों का निर्माण करते हैं। वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ है कि तंतु से धागे और धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, यानी कि तंतु से धागे और धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आपको हमने ये चीज़ें बताई कि वस्त्र एवं तंत्र विज्ञान के अर्थ। अब आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका आएगा खंड, यानी कि खंड सा। खंड बा मैंने आपको बता दिया, खंड आ मैंने बता दिया। अब इसमें आपको नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, यानी दो क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि व्हाट इज द मीन्ट बाय योर वर्क सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस हाउस कीपिंग, यानी कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, और ग्रह व्यवस्था इसका क्या महत्व है। उसके बाद फिर 11वां क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फैमिली बजट, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ बजटिंग, यानी कि परिवार की बजट को समझाते हुए बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां नंबर आपका कि राइट द डिटेल द वेरियस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन फैब्रिक, यानी कि सूती वस्त्रों के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तार से लिखिए। 13वां क्वेश्चन आता है कि राइट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स साइंस, यानी कि वस्त्र तंतु विज्ञान को ऐतिहासिक महत्व तो लिखिए। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दिया। और रही आपके सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन, तो ये आपको लॉन्ग आंसर हैं, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता भी दिया है, और जो भी नहीं बताया गया है इसमें से आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। तो अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।